नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके साथ आर्ट की वीडियो के साथ। आज हम आपको सिखाएंगे फ्री हैंड राइटिंग। हम फ्री हैंड राइटिंग के कुछ टिप्स देंगे जो हमें समय समय पर राइटिंग की ज़रूरत पड़ती रहती है। हम आपको कलम कट ब्रश या फ्लैट ब्रश से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की राइटिंग सिखाएंगे, तो बेटर है आपको हमारा तरीका पसंद आएगा। हमें स्कूल टाइम में ही नहीं बल्कि स्कूल टाइम के बाद भी ऑफिस में, घर में, कहीं भी राइटिंग की ज़रूरत पड़ती रहती है। और हम कई बार क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाकर और उसमें लेटर ड्रॉ करते हैं, फिर उसको पेंसिल को इरेज करते हैं, बहुत सारा समय लगता है। हम आपको कम समय में अच्छी राइटिंग करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब हम आपको थोड़ा ब्रश के बारे में बताते हैं। सामान्यतः ब्रश आपके दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रश देयर आर टू टाइप, पहला है फ्लैट और दूसरा है राउंड। तो फ्लैट के ब्रशेज हमारे ये हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये 0 से लेकर 20 नंबर तक मार्केट में अवेलेबल होते हैं। उसके बाद ये होते हैं राउंड के ब्रश, ये आपको फिनिशिंग के लिए, पेंटिंग के लिए, आउटलाइनों के लिए और अदर आर्ट वर्क के लिए यूज होते हैं। फ़िलहाल हम फ्लैट ब्रश से काम कर रहे हैं, इसलिए राउंड ब्रश को हटा देते हैं। अच्छा, फ्लैट ब्रश में भी हम देख रहे हैं कि हम मीडियम से साइज़ का एक ब्रश लेते हैं, ये ले लेते हैं। बाकी सारे ही हैं, जितनी मोटी राइटिंग करना चाहते हैं उतने मोटे ब्रश हैं। थोड़ी कम मोटी करना चाहते हैं यानी कि पतली करना चाहते हैं तो छोटे ब्रश लेंगे फ्लैट के, ठीक है। इस प्रकार से हम ब्रश, हम मान लो ये हमने 5 नंबर ब्रश चूज़ कर लिया है, इससे हम अब राइटिंग करके देखते हैं। इसके बाद 7 नंबर भी लेते हैं, दोनों से करके देखते हैं। इनको हटा देते हैं साइड में। अच्छा, अब हम कहीं भी किसी भी, हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, हम जब राइटिंग करते हैं तो उसके लिए पहले क्या करते थे, किसी भी ग्राफ में कोई ग्राफ बना करके फिर उसमें ए राइट करते या नंबरिंग जो भी है फिर उसको परमानेंट करते, इसमें बहुत समय लगता था, बहुत सारा टाइम लगता था। या फिर किसी स्टेंसिल से, दूसरा तरीका किसी स्टेंसिल से टाइप करते थे, लिखते थे उस स्टेंसिल की हेल्प से। तीसरा, किसी भी कंप्यूटर वगैरह से टाइप करवाते थे। तीसरा तरीका ये है, किसी भी कंप्यूटर वगैरह से टाइप करवाते थे तो उस समय वो थोड़ा आर्टिफिशियल लगता था, यानी कि एक बना बनाया सा। हम चाह रहे हैं खुद, आपकी खुद की मेहनत हो। और सबसे बड़ी बात आपके लिए हम बता देते हैं दोस्तों, ये राइटिंग आपको केवल स्कूल टाइम में ही नहीं, अपितु ये आपको स्कूल टाइम के बाद भी कहीं भी ऑफिस में, किसी भी कार्यालय में या कहीं भी किसी भी जगह राइटिंग हमेशा काम आएगी। खासकर हम देखते हैं कोई भी प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई वर्क करते हैं, उसको टॉप में टाइटल या थीम डालते हैं। थीम डालते समय हमें राइटिंग की नीड होती है। अगर कम समय में हम बहुत सुंदर राइटिंग करते हैं, लीजिए समय वेस्ट न करते हुए हम राइटिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी समझ के लिए बता देते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर कॉर्नर में एक बेस लेते हैं, ए बी। आप मानते हैं कि टोटल 180 डिग्री का ये हमारा एंगल बन गया। अगर सेंटर निकाल कर ठीक ऊपर की ओर बढ़ाते हैं तो 90 इधर, 90 उधर। अब इस 90 का इस 90 के बीच मिडल से हाफ करते हैं तो 45 डिग्री का ये बन गया। इसी तरह 45 डिग्री का इधर इस 90 का हाफ करते हैं तो दोस्तों आपकी समझ के लिए बता दें, ये जो लाइन जा रही है ये वाली, यहाँ पर इंग्लिश के लेटर लिखे जाते हैं, कहोगे ऐसे कैसे, और यहाँ पर हिंदी के। अब आपकी समझ के लिए बता देते हैं, हम सबसे पहले राइटिंग करते समय क्या करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन ले लेंगे दो, टॉप और बॉटम पे नीचे, और कोशिश करना कि लाइन आपकी डॉटेड और हल्की लगे, क्योंकि लेटर राइट करने के बाद जब इरेज करेंगे तो उसका निशान उस पर नहीं आए, ठीक है, डॉटेड। उसके बाद फिर माप लेंगे, फिर डॉटेड लाइन लेंगे हल्के हल्के हैंड से, ठीक है, इस प्रकार से। अब आप देख रहे होंगे हमने कुछ कलर लिए हैं। अब हम केवल आपसे, हम ये 7 नंबर ब्रश लेते हैं, थोड़ा पानी डाल लेते हैं कलर प्लेट के अंदर, इस प्रकार से। अब मान लीजिए आप लर्नर हैं, सीखने वाले हैं, तो आप अपनी समझ के लिए देखो, आपको बता देता हूँ। जब हम राइट करते हैं तो हमें हिंदी वाले लेटर पे ब्रश को ऐसे रखना है। इट मीन्स, कहने का मतलब मेरा ये है, अगर हम मान लीजिए 2 लिख रहे हैं, ये हमने अंदाज़ा लिया 2 लिख रहे हैं, और इधर भी, अच्छा, तो 2 पे हम अपने ब्रश की डायरेक्शन यही रखेंगे, ठीक है, और जो हमारी लिटिल फिंगर है उसको टच करके रखेंगे थोड़ी हेल्प के लिए। आप इस 2 को कैसे लिखो, आपका ब्रश इसी डायरेक्शन में रहना चाहिए, यूँ ऐसे नहीं घूमना चाहिए ब्रश, ऐसे ही रख, कहीं ले जाओ ऐसे ही घूमेगा,
ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ, ब्रश की ये डायरेक्शन चेंज नहीं होगी ऐसे, ठीक है। लाइक अब मान लीजिए टू लिख रहे हैं, ये देखो ब्रश, मैं ब्रश रोटेट नहीं करूँगा, ब्रश की डायरेक्शन वही रहेगी, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये तो है इसका राइट तरीका। अब देखो रॉन्ग दिखाता हूँ आपको, इसमें घुमा दिया, ये रॉन्ग मेथड है, ठीक है। अब हम अपने फॉर्मूले पे चलते हैं। आप देखो आप हिंदी के, जैसे मान लीजिए आप ए लिख रहे हैं, ए के लिए हम आपकी समझ के लिए बता देते हैं हल्का सा, मान लो सीखने वाले हैं तो हल्की सी लाइन ले लेंगे कि हमारा ए कहाँ तक आएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हमने अंदाज़ा लिया। अब हम चलते हैं अपने एंगल पे, ये आ गए भाई। अब यहाँ से मैच करके लाए हैं, ठीक वैसे ही मैच करके लाए हैं, और ठीक वैसे ही हम इसको ऊपर रख के, ये हम ऊपर वाली लाइन, ठीक है। फिर आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। पहले देखो मैं ब्रश को रोटेट नहीं करूँगा, यहाँ से अपने आप थिन हो जाएगी और ये मोटी हो जाएगी। फिर यहाँ से देखो अंदाज़ा मैंने लिया हुआ था कि हमारा ए कहाँ से कहाँ तक, हमारी वर्णमाला का फर्स्ट अक्षर है ये हो गया, ठीक है। हम हाथ को रोटेट नहीं कर रहे हैं, घुमा नहीं रहे हैं। अब देखो उसी एंगल पे ब्रश को पकड़ा मैंने इस प्रकार से और नीचे की ओर, ठीक है। फिर वैसे ही पकड़ा, कहीं भी ले जाओ आपका 45 डिग्री पे हाथ होना चाहिए। ऐसे आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारी, और प्रैक्टिस करने के बाद आपकी बहुत अच्छी राइटिंग ऐसे हो पाएगी। और अब आप कहोगे कि क्रॉस चेक कैसे करें कि हमें राइटिंग ठीक हुई या नहीं। मान लीजिए ए के बाद हम और कोई अक्षर बनाते हैं, ये लो मान लो ई बनाते हैं, अब हम डायरेक्ट बना रहे हैं, ये लो इस प्रकार से, ये नीचे चला जाता है इसका, ये आपका ई बन गया। या हम फिनिशिंग के लिए इसके लास्ट के हिस्सों को थोड़ा सुंदर बना देते हैं, इसलिए बाकी वैसे ही रखते हैं, ठीक है। दोस्तों कोई भी राइटिंग सीखने से पहले अगर हम ऐसे स्ट्रोक्स लगाकर वर्टिकल और जीरो या हॉरिजॉन्टल ऐसे लगा करके अपने थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद जब हमने जो लेटर राइट किए हैं उनको हम कैसे क्रॉस चेक करेंगे। मान लीजिए हमने ये ए लिखा है, तो ए की बनावट ठीक आई या ठीक बना या नहीं, उसकी बनावट हम किसी भी बुक में देख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये बुक है, इसमें ए की बनावट देखते हैं कहाँ से मोटी है और कहाँ से पतली है, उस प्रकार से हम सारे लेटरों की बनावट या अक्षरों की बनावट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी, तो मान लीजिए हम हिंदुस्तान हमने राइट किया है, इसकी बनावट या है जो भी है उनको हम चेक कर सकते हैं। मान लीजिए है, ये है आपका, यहाँ से पतला है, यहाँ से पतला है, यहाँ से मोटा है, तो ये हम इसमें चेक कर सकते हैं। मान लीजिए इसके अंदर है ये रहा, ये आपका
ये है, देख सकते हैं आप अच्छी तरह, इसी तरह कोई भी देख सकते हो। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब तब तक के लिए बाय।